नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। एनआईटी श्रीनगर में फिर तनाव, सीआरपीएफ तैनात। पिछले सप्ताह झड़प का गवाह बने एनआईटी श्रीनगर में मंगलवार को उस समय फिर तनाव फैल गया जब बाहरी राज्यों के छात्रों ने असुरक्षा की भावना जाहिर की और परिसर छोड़ने का प्रयास किया। इस वजह से उनका पुलिस के साथ टकराव हुआ और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे कुछ छात्र घायल हो गए। स्थिति तनावपूर्ण होने पर सीआरपीएफ को परिसर में तैनात कर दिया गया और जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ अन्य राज्यों से पढ़ने आए छात्रों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को फोन करके एनआईटी की स्थिति पर चर्चा की। पनामा पेपर्स लीक मामले में अमिताभ बोले, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया। पनामा की लॉ फर्म मोसेक फोंसेका के दस्तावेज लीक होने के बाद गैरकानूनी ढंग से विदेश में दौलत छुपाने के आरोपों पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अमिताभ ने कहा कि जिन कंपनियों को उनकी बताया जा रहा है उन्होंने उनका नाम तक नहीं सुना। अमिताभ ने बयान जारी कर कहा कि जिन कंपनियों सी बल्क शिपिंग लिमिटेड, लेडी शिपिंग लिमिटेड, ट्रेजरर शिपिंग लिमिटेड और ट्रॉम शिपिंग लिमिटेड के नाम का उल्लेख किया गया है, मैं इन कंपनियों में कभी निदेशक नहीं रहा और किसी भी कंपनी को जानता तक नहीं। यह संभव है कि मेरे नाम का दुरुपयोग किया गया हो। इस वित्तीय दस्तावेजों के लीक होने के बाद एक बड़ी राजनीतिक घटना के तहत आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। राहुल के अत्याचारों से परेशान होकर प्रत्युषा ने दी जान। टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी की कथित आत्महत्या के मामले में प्रत्युषा के माता पिता ने उसके प्रेमी राहुल राज सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। प्रत्युषा की मां सोमा ने बंगुर नगर पुलिस थाने में राहुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रत्युषा की प्रार्थना सभा के दौरान उनकी मां ने कहा कि राहुल बचना नहीं चाहिए, मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं सारे देश से अपील करती हूं कि मेरी मदद करे कि मैं मेरी बेटी को इंसाफ दिला पाऊं। वह मेरी बेटी पर अत्याचार किया करता था और आखिरकार उसने मेरी बेटी की जिंदगी खत्म कर दी। टीवी निर्माता राहुल इस समय अस्पताल में भर्ती है। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था।